121 एकड़ एरिया में 180 लाख की लागत में निर्माणाधीन प्राणी उद्यान का प्रदेश के वन एवं पर्यावरण जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने निरीक्षण किया तथा कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए तथा कहा कि यदि कार्य मानक के विपरीत पाया गया अथवा किसी भी स्तर पर गड़बड़ी एवं अनियमितता की शिकायत पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्राणी उद्यान देश का पहला प्राणी उद्यान होगा जहाँ हर तरह के जानवर चिड़िया रखे जाएंगे। निरीक्षण के दौरान नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, श्रीमान जी मैं हूँ सर जी, प्रणाम सर जी। हाँ हाँ, आप जब जब गोरखपुर मिला बताए आएंगे तब मैं मिलूंगा। नजात और क्या हाल है बात, ठीक है आपको? हर लोगों में बस ये क्यों आइए आइए सर। और तो बहुत कैसे अपना और उसके बाद इंक्लोजर प्लाजा तो सबसे पहले इसको, क्योंकि अभी तो प्लिंथ एरिया प्लिंथ लेवल कितना टाइम लग पाएंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। इधर आइए भाई, हाँ आइए नुनीत भाई। सर हमारा पहला स्ट्रक्चर है सर, ये कहाँ कहाँ यहाँ सर किसी के बैक साइड, और इसका फ्रंट सर ये है, इसका फ्रंट ये है। पब्लिक इधर बैठेगी सर, यहाँ पे प्रोग्राम होगा पब्लिक के, और इधर से सर ये फ्रंट पे खड़े हैं ना, हम लोग लगभग नहीं खड़े हैं, जैसे इस एरिया उसको कनेक्ट किया है एनिमल की विजिबिलिटी अच्छी होगी, देखेगा ये सामने से ही देखेगा, उसका व्यूइंग एरिया सर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, हम कहीं और से नहीं देखने देंगे सर, उसको ग्रीनरी करके सर स्क्रीन ऑफ कर देंगे। के बाद सर ये है स्वैम डियर, हॉग डियर, पार्किंग डियर, ये तीनों की जगह आ रहा है यहाँ, तो सलमान खान की एंट्री बैन करेंगे कि अलाउ करेंगे? नहीं सर, आएंगे टिकट लेके आएंगे सर, तो एंट्री तो देंगे ही देंगे, भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। ये एरिया सर पहले हमने राइनो के लिए कर रखा था सर, फिर सीजेरियन ऑब्जेक्शन लगाया तो ये हमने ग्रीन एरिया छोड़ रखा है, अगर फिर हम हमें अनुमति मिलती है। एरिया कितना ये करीब 2250 स्क्वायर, वो पहले से ही हमने छोड़ रखा था सर, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पहले हमने यहाँ कर रखा है सर, फिर ये से लोग आते हैं इधर से आने के लिए, हाँ ठीक कर रहे हैं, तो एक अच्छा मतलब उसका वो हो जाएगा, मतलब आपने तो विजिट किया था उस समय एरिया, तो आपने देखा अच्छा है ये, अगर इसको भी थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए जो पूरा रेस्ट हाउस वगैरह है पुराने जमाने का तो है, लेकिन हेरिटेज लुक हो जी जी थोड़ा ठीक ठाक तरीके से तो ठीक है, बाकी लोग ये तो अलग चीज़ है, वो तो अलग उसमें देखिए लोकसभा में तो आप कर नहीं पाएंगे है ना, कि मौजूदा समय की जो प्रगति है ये बहुत ही संतोषजनक है, और ये बनने के बाद
न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लिए एक अद्भुत चीज़ होगी। जिस तरीके का कंसेप्ट है इस सरकार का इसे इस ऊँचाई तक ले जाने का, मुझे पूरा भरोसा है कि टूरिज्म के हिसाब से भी और इस पूर्वांचल के विकास को देखते हुए ये गोरखपुर में जो ये चिड़ियाघर बनने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अभी मैं घूमने के बाद मैं सारा जितने भी जानवर आपके हैं आपको देखने के मिलते हैं दूसरे, मुझे लगता है देश का शायद पहला चिड़ियाघर होगा जहां हर तरीके के जानवर यहां देखने को मिलेंगे। और इसका जो चूँकि आप पूछते उससे पहले मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि पहले तो हम लोग दिसंबर में इसके उद्घाटन के उसमें थे, जो टाइम बाउंड कार्यक्रम पहले बना था इसके लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि देर हो लेकिन दुरुस्त हो, और चूँकि देश का संभवतः पहला चिड़ियाघर होगा इसलिए थोड़ा समय भी दिया गया है कि इस ज़ू को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए इसको बनाया जाए। और इस चिड़ियाघर के बनाने में गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई करप्शन कमीशन खोरी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे चीज़ों में अगर कहीं पता चला जो इस सरकार की सोच है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए एक दशक पहले मैकापुर की सरकारों में जो पूर्व की सरकार के जो सोच थी इस गोरखपुर के विकास के लिए नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तब से शुरू हुआ। पहले की सरकार केवल नाम के लिए योजनाएं शुरू करती थी, लेकिन योगी की सरकार काम के लिए योजनाएं बना रही है और उसको अपने मुकाम तक पहुंचाने में पूरी तेज़ी से तत्परता से लगी हुई है। इसलिए मैं कहा ये तो योजना बहुत पहले शुरू हुई, लेकिन जब 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद इस पर जो पैसा दिया गया, पूरी मॉनिटरिंग हुई, सारे अधिकारी इंटरेस्ट लेकर के इसको करा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको हम लोग, अब तो दिसंबर है ही, अब 19 में जितना जल्दी हो सकता है वैसे इन लोगों ने जो टाइम लिमिट दिया है जून का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तत्परता से काम हो रहा है तो मुझे लगता हो सकता है कि समय के पहले भी ये प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। देखिए वैसे तो 250 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है, और फेज वाइज पैसा जो है रिलीज हो रहा है, और जो भी पैसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इस गोरखपुर के जू को बनाने में, गोरखपुर के विकास के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भी पैसा जो डिमांड होता है वो पूरी स्वीकृति की जाती है, और जो स्वीकृत पैसा का 75% एक्सपेंडिचर के बाद, खर्च होने के बाद फिर तुरंत जो है पैसा को रिलीज कर दिया जाता है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं, निश्चित रूप से कमी आ रही है।